हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग योर वैल्यूएबल टाइम एट योर होम। एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्रायंगल, इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 7.1। तो ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग जितनी भी सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में सीखी है, चाहे वो ट्रायंगल के जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लो, आप क्राइटेरिया की बात कर लो, स्पेशली हमने वहां पे कॉन्ग्रुएंसी की बात की थी, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने 6 क्राइटेरियाज की बात की थी, ठीक है ना, जिसमें आपका SAS आता है, ASS आता है, RHS आता है, SSS आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने टोटल कुल मिलाकर 6 क्राइटेरियाज की बात की थी, उन्हीं क्राइटेरिया पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले मैं प्लीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट्स आती हैं वो आप तक काफी तेजी से पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एसी इज इक्वल टू एडी एंड एबी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। दे आर ऑल्सो आस्किंग दैट वॉट यू कैन से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो सबसे पहले तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज ट्राइंगल ए बी डी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या चीजें हमें मिल पाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में देखिए हम लोग क्या यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, ध्यान से देखते रहना आप। तो सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो देखिए ये दिया गया है आपको AC इज इक्वल टू AD, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहां पे ऐसे लिखिए इन ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल कौन से हैं आपके, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं। इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में आपको देखना है पहली चीज तो AC इज इक्वल टू AD, ये क्या चीज है, गिवन है, ये आपको क्या किया गया है, गिवन यानी कि दिया गया है, ये देखिए यहां पे। दूसरा क्या बोला है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि ये जो एंगल ए है, अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो ये एंगल ए पूरा है ना, ये पूरा एंगल ए है, इस एंगल ए को एक लाइन सेगमेंट ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, समझ आ रही बात। तो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी ए बी, यहां पर आप लिख पाएंगे एंगल सी ए बी, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल, अब यहां पे देखिए डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक है ना, ये बोथ आर इक्वल, क्यों इक्वल है यहां पे आप लिख दीजिए, बिकॉज ए बी इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि ए बी क्या कर रहा है, इस एंगल ए को बाई सेक्ट कर रहा है, इसलिए सी ए बी और डी ए बी ये दोनों इक्वल हो जाए। अच्छा अगली चीज देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए ए बी फॉर बोथ द ट्राइंगल्स दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉमन, तो यानी कि आप यहां पे क्या लिख पाएंगे, ए बी फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी अगेन फॉर ट्राइंगल ए बी डी, ये दोनों के लिए है, और ये चीज क्या है यहां पे, ये कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। अगर आप ए बी हटा दोगे तो क्या ये ट्राइंगल बचेगा, नहीं बचेगा ना, फिर तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पूरा। तो ये तो हो गई कॉमन वाली बात। अब अगर इसमें हम देखें, देखिए मैंने आपको बोला था पहले, मैंने आपको बता के रखा है, मैंने आपको ये चीज बोली थी कि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, आपको कॉन्ग्रुएंसी बतानी है, तो किसी भी टाइप की कॉन्ग्रुएंसी को आपको बताने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट ओनली 3 पॉइंट्स, आप सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स आप फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट्स आ गए हैं इजिली। अब आप बोलिए यहाँ पे आप लिखिए कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा बट इसके लिए आपको एक रूल बताना होता है, ठीक है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 6 रूल की बात की थी, तो उसमें से कौन सा रूल फॉलो होगा, तो यहां पे देखिए एंगल, सॉरी साइड, एंगल एंड साइड, और इधर से भी आप देखिए साइड, एंगल, साइड, यानी एस ए एस, और एस ए एस रूल हमारा यही कहता है ना, एस ए एस हमारा रूल क्या कहता है,
टू साइड्स होनी चाहिए और इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो कभी भी रूल लगाने से पहले रूल को आप पहले अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, प्लीज सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन इसका देखिए, ताकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है वो आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाए। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखने के लिए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए #globalclasses, वहां से आप 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको ये सारे वीडियो इजीली आसानी से मिल जाएंगे, आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। तो प्लीज आप उन वीडियोस को देखिए, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, तो ये चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि ये SAS रूल आखिर कहता क्या है। तो यानी कि SAS रूल से हमने इन दोनों को बोल दिया भाई बोथ द ट्राइंगल्स, यही चीज आपको करना भी था, शो दैट बोथ आर मींस कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, फाइनली दे आर आस्किंग व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। ये देखिए, ये BC है, ये BD है, आप इन दोनों के बारे में क्या कह सकते हैं? तो मैं BC और BD के बारे में मैं सिर्फ यही इतना कह सकता हूं भाई कि BC भी इक्वल होगा BD के, ठीक है ना। BC क्या होगा, किसके इक्वल होगा? BD के इक्वल होगा। अब अगर ये BC BD के इक्वल होगा तो क्यों होगा? मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था ये ऑर्डर हमें CPCTG देते हैं, ठीक है ना, बाई CPCT, ठीक है ना। क्या इसका मतलब क्या हुआ CPCT का? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये जो BC और BD है, इन दोनों ट्राइंगल जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंसी रखते हैं, इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। जैसे दोनों ट्राइंगल को आपने इक्वल बोल दिया ना, तो जितने भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दोनों ट्राइंगल के, आप उनको एक दूसरे के इक्वल बता सकते हैं, बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस इसमें सिर्फ यही इतनी चीज आपको बतानी है, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 दे आर आस्किंग ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, सही है भाई। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं, दिख रहा है। इन विच AD इज इक्वल टू BC, यानी जिसमें AD और BC ये दोनों इक्वल है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, अब जरा देखिए ध्यान से देख रहे हैं DAB, तो DAB इज इक्वल टू CBA, तो ये CBA यानी ये दोनों एंगल आपस में सेम है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD, देखिए इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, BD इक्वल है AC के, और थर्ड पार्ट है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ऐसा आपको प्रूफ करना है। देखिए कभी भी अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली। सबसे पहले आप फिगर को केयरफुली देखिए, क्योंकि इसके सारे आंसर फिगर में छुपे होते हैं, ठीक है ना। चित्र को आप ध्यान से देखिए, तो आइए हम भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं भाई, आंखें निकाल के घूर घूर के देखेंगे। तो जब हमने इसमें इस फिगर को ध्यान से देखा, तो इस फिगर में हमें देखिए पहली चीज तो प्रूफ करनी है ट्राइंगल ABD और BAC, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है। तो यहां पे पहली चीज प्यार के साथ आप लिख दो बेटा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इस चीज को थोड़ा डार्क कर दूं मैं, ABD और BAC। तो ABD और BAC, तो सबसे पहले ट्राइंगल देखिए ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल, दूसरा BAC, तो यानी कि BAC यानी कि ये ट्राइंगल, ठीक है ना। फर्स्ट ट्राइंगल आपका ये है, ये इतना पार्ट, और सेकंड ट्राइंगल ये इतना पार्ट है, इन्हीं दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है ना। कैसे बता सकते हैं, फ्यू थिंग्स आर गिवन हियर इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट्स मैंने आपको बोले, जस्ट ओनली देयर इज अ नीड ऑफ ओनली 3 पॉइंट्स, सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको चाहिए। तो पहला पॉइंट तो देखिए हमें यही क्वेश्चन से ही मिल गया, मैंने आपको बोला क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, सिर्फ देयर इज अ नीड टू ओपन योर थर्ड आई, बेटा 2 आंख से सबको दिखता है, तीसरी आंख खोलो आप, और देखिए यहां पे क्या लिखा है, AD इज इक्वल टू BC, आप क्या बोलोगे, गिवन, यानी कि ये दिया गया है, कहां दिया है, क्वेश्चन में दिया है AD इज इक्वल टू BC। अच्छा, दूसरा एंगल DAB, ये भी देखिए दिया गया है भाई, काफी अच्छी बात है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी आपको दिया गया है। तो AD इज इक्वल टू BC, AD BC ये दिया है, दूसरा DAB एंड CBA, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में सेम है। अच्छा, ये अगर ये देखिए ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ट्राइंगल हमारा है ABD, देखिए ABD ये ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, BAC। अच्छा, एक चीज अगर इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, तो ये जो साइड AB है,
दिस ए बी, दिस ए बी इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, ऐसा मानते हो आप कि नहीं मानते? अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए फिर से देखिए, ट्राइंगल का नाम ए बी डी, ए बी डी, तो ये देखिए ए बी आ रहा है इसमें, और ये बी ए सी, बी ए सी, तो इसमें भी देखिए ए बी कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में ए बी आ रहा है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ये कॉमन है, क्या है ये कॉमन है। अब देखिए यहां पे देखिए थ्री पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, और हम अब ये वेरीफाई करेंगे कि क्या यहां पे कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आइए चेक करते हैं, साइड एंगल, साइड फॉर दिस ट्राइंगल आई मीन दैट इज ए बी डी, हेयर फॉर दिस दैट बी ए सी, इसमें देखिए साइड एंगल साइड, क्या बात है भाई। यहां भी देखिए एक बार फिर से हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, और यहां पे रूल कौन सा लगेगा आपकी सास का, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख दो भाई एस ए एस रूल, क्या लिखेंगे एस ए एस रूल, तो एस ए एस रूल से ये प्रूफ हो गया। अच्छा ये तो खैर फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट इज ओके। नाउ दे आर आस्किंग बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? तो जरा देखिए भाई साहब, BD and AC, they are the sides of, they are the corresponding parts of this triangle ABD and BAC. तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो प्यार के साथ, BD is equal to AC, और यहाँ पे क्या लिखोगे CPCT, corresponding parts of congruent triangle, यानी ये दोनों triangle congruent हो गए, तो इसका मतलब उनके corresponding parts भी आपस में similarity रखेंगे, same होंगे दोनों, ठीक है, समझ में आ गई बात। सिमिलरली दे आर आस्किंग, सेकेंड पार्ट आपका ओके हो गया, सिर्फ एक ही लाइन में एंगल ए बी डी। अब जरा देखिए भाई साहब, ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, तो ए बी डी तो आपका ये वाला एंगल हो गया बी ए सी, अब जरा देखिए बी ए सी, यानी कि ये इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं भाई साहब आप बताओ कि ये दोनों एंगल सेम सेम है, अरे तो सेम है तो है, होने दो ना, सेम में होने में क्या फर्क है। जब आपने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो ऑटोमेटिक सेम हो ही सकते हैं। यहाँ पे प्यार के साथ बेटा कुछ नहीं करना, आप बोलो ए बी डी ये भी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप सी पी सी टी। तो जितनी भी चीजें आपको प्रूफ करानी है उनको आप सी पी सी टी की हेल्प से बता सकते हैं, बिकॉज जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी है, चाहे वो साइड की बात कर लो, एंगल की बात कर लो, सारे के सारे इक्वल होंगे, सेम होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में ये लोग क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC, ये AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट AB पर, ये लाइन सेगमेंट AB था और ये दोनों इस पर परपेंडिकुलर। तो इन्होंने ऐसा बोला शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, तो आपको ये बताना है कि जो CD आपने ड्रॉ किया है इस AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आई मीन सिंपल सा रूल है, उसको हमें फॉलो करना है जो कि हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया हुआ है आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिए, इफ यू कैन डू प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इन ट्राइंगल, अच्छा दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है ना, कोई भी ट्राइंगल कैसे भी नाम बोल दो आप, ए ओ डी एंड ट्राइंगल इसको बोल दोगे बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी, यानी कि ट्राइंगल ए ओ डी और बी ओ सी में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए ये दोनों एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहां पे आप लिख पाएंगे एंगल, क्या बोलेंगे इसको, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली ये क्या है ओप्पो के फोन है, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, फर्स्ट थिंग एक चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरा अच्छा देखिए ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब आप इसको लिख पाएंगे, यहां पे लिखेंगे एंगल सी बी ओ, एंगल
CBO, तो CBO 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे देखिए OAD, क्या लिखेंगे, एंगल OAD, OAD ये भी 90 डिग्री है, यहां पे आप लिख दो राइट एंगल है ये, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। दूसरी चीज ये इन्होंने क्वेश्चन में देखे रखी है कि भाई AD एंड BC बोथ आर इक्वल, तो यहां पे आप लिख दो AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है गिवन, दिया गया है आपको, ये आपको दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो इसका मतलब देखिए थ्री पॉइंट्स जैसे ही आप मिलते हैं ना तुरंत आप कोई भी रूल लगाने की सोच लिया करो, ठीक है ना, आप 4, 5, 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं, नो डाउट, इट्स ऑल राइट, बट जैसे ही आप थ्री पॉइंट्स लिखते हो ना 1, 2, 3 आप तुरंत पहले देखो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर एनी काइंड ऑफ रूल, वट एवर 6 रूल्स आर देयर, अगर है तो उनको फटाक से लगा दो, नहीं है तो कोई एक दो पॉइंट और भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई पहले तो हमें देखिए क्या, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गया, ठीक है ना, दो एंगल और एक साइड, 1, 2 और ये एंगल आई मीन साइड। तो यहां पे मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रखते हैं। अच्छा यहां पे रूल क्या लगेगा, यहां पे रूल लग जाएगा एंगल एंगल साइड, यानी कि आस रूल लग जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे आस रूल लग जाएगा, एंगल एंगल साइड लग जाएगा। कल अच्छा इंट्रोडक्शन के पार्ट के वीडियो में यहीं पे मिसिंग हो गया था थोड़ा सा, है ना, तो आप लोग उसको अपने तरीके से सही कर लीजिएगा, एंड फॉर द सेम आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं सोच कुछ और रहा था और मैंने लिख कुछ और दिया, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सही करेंगे। तो ये जो ट्राइंगल दोनों है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। If both the triangles are congruent, it means that their corresponding parts will also be same. इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, OB is equal to OA, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना, OB is equal to OA. ये क्यों मैंने लिखा ऐसा, कहाँ से लिखा, CPCT, यानी कि corresponding parts of the congruent triangle, यानी कि ये इन दोनों triangle, ये जब ये दोनों triangle आपस में same हो गए तो ये तो इनके corresponding parts है, और इसका मतलब OB is equal to OA, यानी OB क्या है, OA के equal है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो if AB OB is equal to OA, इसका मतलब OB और OA को दो part, यानी जो पूरा line segment AB था इसको दो part में divide कौन कर रहा है, CD ही तो divide कर रहा है इसको, ये CD पॉइंटों पर, तो इसका मतलब ये जो इन्होंने बोला हुआ है, हेंस यहां पे आप लिख सकते हैं, हेंस क्या सीडी बाइसेक्ट एबी, इसका मतलब कि सीडी जो है ये एबी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आई होप ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। सो नाउ वी आर रेडी टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दैट, L and M are two parallel lines. यहाँ पे देखिए L and M both are parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. ये another pair PQ, ये भी दोनों आपस में parallel हैं, ये इनको intersect कर रहे हैं. So they are asking this, show that ABC is congruent to triangle CDA. यानी कि triangle ABC, ABC ये CDA के congruent है. ऐसा आपको बताना है. तो शुरुआत करें इसकी, इफ यू कैन डू प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, अदरवाइज 1, 2, 3 ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान से होते हैं, थोड़ा सा उलट पलट करके तो देंगे ही वो आपको, ठीक है ना, थोड़ा परेशान करने के लिए, जस्टली देर इज अ नीड टू ओपन योर थर्ड आई, तीसरी आंख खोलिए और भोलेनाथ के भक्त बनिए भाई, और भोलेनाथ के भक्त बनेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिख पाएंगे। पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से पहले देखिए दैट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी डी ये एक पैरालेलोग्राम है, पैरा के लेलो का ग्राम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरा के लेलो का ग्राम, ठीक है ना, ये एक पैरालेलोग्राम है, और अगर ये एक पैरालेलोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, हेयर यहाँ पे आप लिख दो हेयर AB is parallel to CD and AB CD के parallel है, at the same time AD BC के parallel है, AD किसके parallel है, BC के parallel, ठीक है ना, AB CD AD BC, ये इतनी बातें समझ में आ गई आपको।
अब यहाँ पे ये जिन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, आइए उसको देखते हैं। पहले ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। यहाँ पे आप लिखिए इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए सिमिलरिटी क्या हो सकती है, ठीक है ना। कौन से ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जिनके बेस पर हम इनको क्या बोल सके, कॉन्ग्रुएंट बोल सके, ठीक है ना। ऐसे कौन से रूल्स होंगे या ऐसी कौन सी वो बात होगी, तो देखते हैं ऐसी कौन सी वो बात है जिसकी वजह से हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। तो सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखना, एकदम आसान सी बात है। यहां पे आप देखिए ए बी सी ये ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल क्या है, सी डी ए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया भाई है। अब अगर मुझे इसमें जो कुछ कॉमन अगर देखना है तो हम कैसे देख पाएंगे, अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान से आप देखिएगा, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ये AD और BC पैरेलल है, ये जो पैरेलल यहाँ पे बताया, देखिए उसका रीजन है ना, एक AD और BC पैरेलल है। तो अगर आप AC को अगर ध्यान से देखते हो तो AC एक ट्रांसवर्सल लाइन का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं प्ले कर रहा है, कुछ याद आया, लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 के पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट, नहीं याद आ रहा है, चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ, ठीक है ना। कैसे, ध्यान से देखना, AD BC दीज आर पैरेलल, तो यानी AC ट्रांसवर्सल हुआ। अगर AC ट्रांसवर्सल हुआ तो अगर मैं ऐसा बोल दूं, यहां पे ध्यान से देखना, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, बिकॉज दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अब याद आ गया ना आपको, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर है और अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स जो भी होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। चलिए ठीक है, एक पॉइंट तो आपको मिल गया है, धमाकेदार पॉइंट मिल गया है ना। चलिए दूसरे पेयर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सिमिलरली ध्यान से देखना, बी सी ए यानी कि ये एंगल, एंगल का नाम लिख दूं मैं पहले, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई, मैं भूल जाता हूं, एंगल बी सी ए, देखिए बी सी ए ये किसके इक्वल होगा, डी ए सी के, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। अब मैं अगर ऐसा अगर मैं लिख देता हूं तो क्या मारोगे आप मुझे क्या, ये भी क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, दो पॉइंट आपको मिल गए फटाफट। अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा में क्या, देखिए ये दोनों ट्राइंगल है तो इसमें AC, सिंपल सी बात है, कॉमन है यार, इतना तो दिखता ही है सबको, है ना। तो यानी कि आप क्या लिख देंगे, AC इज इक्वल टू AC, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इतनी चीजें आपको मिल गई, देखिए क्या मिला आपको, आपको मिले दो एंगल और एक साइड, ठीक है ना, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गया। तो जब दो एंगल और एक साइड मिल गए तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। यहां पे अगर हम लोग रूल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो रूल यहां पे कौन सा लगेगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, तो क्या लग जाएगा, एंगल साइड एंगल, आशा रूल लग जाएगा, ठीक है ना, कौन सा रूल लग जाएगा, आशा। तो जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो हम प्रूफ कर पाए, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आए ना, वीडियो को पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से आप देखिए और उसको तब तक देखो जब तक वो आपको समझ में नहीं आती, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर दैट मीन्स यू विल गेट द थिंग्स 110%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोला है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, यानी कि यहां पे इन्होंने क्या बोला है, एक लाइन एल है, ये देखिए ये लाइन एल है, ये बाइसेक्टर है एंगल ए की, यानी कि ये एंगल ए था पूरा का पूरा, ये एंगल ए है, इसने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी एक पॉइंट है जो कि एल पर है, ये देखिए बी है, पॉइंट एल पर है, बीपी एंड बीक्यू, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए की आर्म्स ये है, बी से यानी कि बीपी और बीक्यू ये दोनों इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स डेफिनेटली दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री,
90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं. सो दैट आपको बताना है फर्स्ट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी, यानी कि ए पी बी ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है. तो ठीक है करते हैं, आइए कोशिश करते हैं भाई. कोशिश करने वाले की कभी जीत नहीं होती, होती है यू नो बेटर देन मी. एनी वे सो चलिए शुरू करते हैं भाई. इफ यू कैन डू प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. 1 2 3 ओके लेट्स हैव अ लुक. दो ट्राइंगल ए पी बी और ए क्यू बी, तो सबसे पहले इनको इज्जत दे दो और यहां पे लिखिए इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, यानी कि हमने ए पी बी और ए क्यू बी ले लिया. ए पी बी ए क्यू बी ये दोनों ट्राइंगल दिख भी रहे हैं हमें, ओके दिख रहे हैं तो काफी अच्छा है. दूसरा अब हमें इसमें कुछ पॉइंट्स को सर्च करना है, ठीक है ना, जिसके बेस पर हम कुछ बोल पाए. ठीक तो क्या बोल पाएंगे देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए बोल पाएंगे एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंगल क्यू ए बी यहां पे लिखिए एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी. क्या लिखेंगे एंगल पी ए बी, बोथ आर इक्वल. अच्छा इक्वल क्यों है पता है, बिकॉज यू कैन से दैट दिस लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. यहां पे लिख दीजिए ऐसे लिखिए लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि लाइन एल ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे. ऐसा मानते हो आप? मानना पड़ेगा आपको, नहीं मानोगे तो क्या मारोगे क्या मुझे. एनीवे अगला देखिए, इन्होंने इस पे क्या बोला था कि ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वली होंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे. तो हम इन एंगल्स को आएंगे, कुछ भी नाम दे दो आप, मैं चलिए बोल देता हूं बी क्यू ए. यहां पे लिखिए एंगल बी क्यू ए. भाई साहब देखिए मैंने बी क्यू ए बोला, अगर आप ए क्यू बी बोलोगे तो मैं मारूंगा नहीं आपको. समझ रहे हैं आप? तो यानी कि एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए. क्यों? परपेंडिकुलर है तो यानी कि ये राइट एंगल है. ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया. यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? अभी आपने क्या करना है देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये देखिए ए बी, दिस ए बी इज अ कॉमन लाइन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स. वो चाहे आप ए पी बी की बात कर लो या फिर आप ए क्यू बी की बात कर लो, दोनों के लिए ए बी कॉमन है. तो प्यार से लिख दो यार यहां पे, फिर डर किस बात का है. यहां पे आप लिख दीजिए भाई साहब ए बी इज इक्वल टू ए बी और ये क्या है? कॉमन है. ये क्या है? कॉमन पॉइंट है, यानी कि कॉमन लाइन है. थ्री पॉइंट्स मिल गए. जैसे ही थ्री पॉइंट्स मिलते हैं ना तुरंत एकदम डांस करना शुरू कर दो, है ना, नागिन डांस. तो क्या होगा यहां पे आप लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी. ये ए क्यू बी के इक्वल है. अच्छा क्यों इक्वल है भाई साहब? इक्वल इसलिए क्योंकि हमें यहां पे थ्री पॉइंट्स मिल गए. अच्छा थ्री पॉइंट्स मिले कैसे हैं वो जरा आप देखिए, एंगल एंगल और ये साइड, ठीक है ना, एंगल एंगल साइड. तो यानी कि यहां पे कौन सा रूल लग जाएगा? यहां पे लग जाएगा आस रूल. टू एंगल्स आर देयर, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक ये साइड मिल गया, ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा? आस रूल हो जाएगा. यानी आस रूल से आप बोल पाएंगे कि ये ऐसा है. और अगर ये ऐसा है तो इन्होंने एक चीज और भी आपसे पूछा है कि बोलो भाई भाई बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू या फिर बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, या फिर ऐसा बोल दो कि बी इन दोनों आर्म्स से सेम डिस्टेंस पे, बात तो ही पड़ेगी. तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे. क्या लिख पाओगे? बी पी इज इक्वल टू बी क्यू. क्यों ऐसा बोला आपने? सीपीसीटी, सीपीसीटी तो याद ही होगा, ठीक है ना. ये आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, हेंस बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. आई होप आपको ये अच्छे से एकदम समझ में आया होगा. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इन्होंने क्या बोला है. इन फिगर AC इज इक्वल टू AE. देखिए AC AE के इक्वल है.
एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये ए बी ए डी के इक्वल है। फिगर को सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए, बस एकदम चीजें आसान पड़ेंगी आपको। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, तो ध्यान से देखना बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, यानी कि बी ए डी ई ए सी के इक्वल होता है। आपको बताना है कि बी सी और डी ई भी इक्वल होंगे, ये बी सी है और ये डी ई है, ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। सो इट्स अ लिटिल बिट ट्विस्टेड क्वेश्चन, इफ यू कैन डू प्लीज यू जस्ट ट्राई योर सेल्फ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू। 1 2 3 ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए यहां पे हम क्या कर पाएंगे, सबसे पहली चीज ध्यान से आप देखना, इन्होंने आपको दिया है एंगल बी ए डी ना, यहां पे आप लिख दो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा दिया है, बोला है ई ए सी के इक्वल है, तो आप लिख दो भाई यहां पे ई ए सी लिख दो। अब अगर इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो तो इनके बीच में एक एंगल ये बचा है डी ए सी, जो कि दोनों के बीच में है, ये किसी के साथ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डी ए सी को दोनों के साथ ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि जो काम करो दोनों के साथ करो तो सही रहेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ऐसा लिख दिया कि बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या किया मैंने, बी ए डी था उसके साथ डी ए सी, यानी कि ये इतना तो था ही, ठीक है ना, ये इतना पार्ट तो था ही, मैंने इसको भी ऐड कर दिया, और ये ई ए सी था यानी ये इतना था, तो इसके साथ भी मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐसा हो गया ये। अब इसको मैं देखिए क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज एंगल बी ए सी। अब देखिए ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, हो जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ई ए डी, क्योंकि इतना तो था ही, ये भी ऐड हो गया ना, तो अभी यहां तक आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल ई ए डी। यहां तक बात क्लियर है आपको। चलिए अभी आपने क्या करना है, ये देखिए ये जो दोनों ट्राइंगल की ये लोग बात कर रहे थे ना, यहां पे आप लिखिए इन ट्राइंगल। अब ये जो नया ट्राइंगल बना कौन सा बन जाएगा, ए बी सी, ये इतना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड अनदर ट्राइंगल, वो दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा, ए डी ई, ठीक है ना। तो आप ए डी ई में देखिए, ए बी सी और ए डी ई में, पहले तो ये देखिए ये जो दो चीजें लिखी हैं इनको कॉपी कर दो आप, कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, तो ये आपका ए सी है और ये ए ई है, तो यहां पे आप लिखिए ए सी इज इक्वल टू ए ई, जो कि आपको दिया गया है, गिवन है। दूसरा ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी आपको दिया गया है। तीसरी चीज देखिए क्या लिख पाएंगे, यहां पे देखिए एंगल बी ए सी, ठीक है ना, एंगल बी ए सी ये इक्वल है एंगल डी ए ई के, डी ए ई, चाहे ई ए डी बोलो या डी ए ई बोलो, बात तो वही हुई, ठीक है ना। तो ये चीज आपने कहां से फाइंड आउट की, ठीक है ना, ये चीज आपने ये कंस्ट्रक्शन से फाइंड आउट की है, ठीक है ना, कि बी ए सी बराबर, या फिर आप ऐसे बोल दो, ये देखिए इसको अगर आपने इक्वेशन नंबर वन बोल दिया, तो यहां पे आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इसको ऐड करने के बाद, किसको, डी ए सी को दोनों साइड में ऐड करने के बाद हमें ये चीज मिली है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे देखिए थ्री पॉइंट्स आपको मिलते हैं ना, तुरंत आपको डांस करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंसी बताने की पोजीशन में होते हो। तो हम भी यहां पे लिख पाएंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, तो कॉन्ग्रुएंट तो बता दिया, बट रूल क्या लगेगा, रूल भी तो लगना चाहिए ना, बताना चाहिए भाई, एस ए एस लगेगा, डबल ए एस लगेगा, ट्रिपल एस लगेगा, आर एच एस लगेगा, क्या लगेगा। तो हम यहां पे अगर देखें दो साइड, दो साइड एंड वन एंगल, इट मींस यहां पे देखिए साइड एंगल साइड, तो यानी कि यहां पे क्या लग जाएगा, एस ए एस रूल लग जाएगा, यानी कि सास का रूल लगेगा, वेरी नाइस। अगर एस ए एस रूल से आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो इसका मतलब आपको प्रूफ करना है बी सी इज इक्वल टू डी, प्यार से यहां पे लिख दो भाई साहब, बी सी इज इक्वल टू डी ई, कहां से, सी पी सी टी, प्यार से बोलो यार, बिना किसी झिझक के, बी सी, ये देखिए बी सी और ये डी ई, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स जो दोनों की कॉन्ग्रुएंट है उन्हीं के करेस्पॉन्डिंग पार्ट से तो है, इजली वी कैन से दैट। आई होप आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से आप देखिए और 110% समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट हैव अ लुक, दैट इज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट डी, पी इसका एक मिड पॉइंट है
एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के सेम साइड ई एंड डी, ये दोनों पॉइंट्स दे आर इन सच दैट, इस तरीके से दिए गए कि बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ध्यान से देखिएगा बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ए बी ई, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सेम सेम, ये और ये, ई पी ए और डी पी बी ये भी दोनों सेम है, ध्यान से देखिएगा ई पी ए यानी कि ये और डी पी बी यानी कि ये दोनों एंगल आपस में सेम सेम है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, है तो है, सो दैट शो, आपको शो कराना है ट्राइंगल डी ए पी, तो डी ए पी कौन होगा, डी ए पी यानी कि ये और दूसरा ई बी पी, ई बी पी ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ई बी पी, तो चलिए ठीक है शुरू करते हैं, इफ यू कैन डू प्लीज ट्राई योर सेल्फ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू हेल्प यू, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। यहां पे क्या होगा, इसके अगर हम लोग सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए P इसका मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल टू PB ऐसा लिख पाएंगे, हम क्या लिख पाएंगे, AP इज इक्वल टू PB, क्यों, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ EB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि P AB का मिड पॉइंट है। अच्छा ये चीज लिखना काफी जरूरी होता है ताकि हम इन चीजों को इजिली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है ना, कहां पे क्या है कैसे, तो चलिए ये बात हो गई। दूसरा इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने भाई साहब ने ऐसा बोला है, दूसरा क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखना, एंगल बी ए डी, तो यहाँ पे आप लिख दो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, तो ध्यान से देखिए बी ए डी और ये दूसरा दैट ए बी ई, ये दोनों ट्राइंगल दोनों एंगल आपको दिए गए हैं, चलिए दिए गए हैं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर ये दोनों दिए गए हैं तो ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल का नाम क्या बेटा, डी ए पी, ठीक है ना, ये यहां पे आप भाई लिख दो पहले, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल का नाम क्या है ई बी पी, ये चीज आप बता दो भाई किस ट्राइंगल में आप बोल रहे हो वैसा। अच्छा दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ई पी ए, ई पी ए अगर इस ट्राइंगल को देखें, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि एंगल ई पी ए और इधर आपने लिखा है एंगल डी पी बी, डी पी बी लिखा है ना, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ये जो EPA EPA है इसमें अगर आप ये देखिए बीच वाला ट्राइंगल यहां भी देखिए एम्प्टी है ना, ये किसी के साथ नहीं, इसको दोनों के साथ ऐड कर दो, अगर इसको ऐड करोगे तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा देखिए ध्यान से देखना DPE, देखिए DPE यानी कि ये ट्राइंगल ये एंगल, ठीक है ना, तो इसमें ऐड कर दो आप एंगल DPE और ये काम आप दोनों में कर दो, दोनों में कर दिया, अभी जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो आप ध्यान से देखना EPA के साथ DPE ऐड किया है ना हमने, तो देखिए यहां पे EPA इसके साथ हमने DPA को ऐड किया है, सॉरी DPE को ऐड किया है, तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये पूरा का पूरा एंगल हो गया, ठीक है ना, अब इस पूरे एंगल को आप क्या नाम देंगे, इस पूरे एंगल को आप नाम दे सकते हैं, देखिए क्या नाम देंगे DPA, इस पूरे को क्या नाम देंगे DPA, क्योंकि अभी तक कितना था अब ये पूरा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एंगल DPA इज इक्वल टू, इधर देखिए DPB था, ये DPB इतना था, आपने इसको भी ऐड कर दिया, तो अभी इसका देखिए नया नाम क्या हो जाएगा EPB, यानी कि ये इतना पूरा इसके साथ आ गया, तो यानी ये हो जाएगा एंगल EPB, ये इतना हमने ऐड कर दिया इसको, तो ऐड करने के बाद ये चीजें यहां से आपको मिल गई, ठीक है ना, समझ में आ गई बात कैसे आपको ये चीज मिली, अभी देखिए आपको देखिए 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये है और थर्ड आपका ये है, जैसे ही आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं फटाफट आपको क्या बोल देना है, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कौन से डी ए पी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ई बी पी के। अब यहां पे आपको ये फटाफट देखना है कि भाई साहब इसमें रूल कौन सा है, तो रूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए दो एंगल है, फर्स्ट एंगल ये है, सेकंड एंगल ये है और ये एक साइड है, तो दो एंगल और एक साइड क्या लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा
ASA रूल, यानी कि ASA, एंगल साइड एंगल। देखिए कैसे लगेगा, यहां पे देखिए आपने क्या दिया एंगल, ठीक है ना, एंगल लिया है, दूसरा आपने क्या लिया है साइड लिया है ना, एंगल साइड एंगल। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगेगा ASA, ठीक है ना, टू एंगल्स एंड वन साइड, ये सेम चीज यहां पे भी लागू पड़ती है। तो आपने बोल दिया इसको बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेट, यानी DAP और ये EBP वाला झंझट खत्म, आई मीन प्रूफ कर दिया आपने, और क्या। अब AD इज इक्वल टू BE की बात करें तो यहां पे लिख दो आप AD इज इक्वल टू BE। अब देखिए AD कौन है भाई, ये AD है और ये BE है, सो दे आर द करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, यानी कि एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल एबीसी है, तो ध्यान से देखिए एबीसी राइट एंगल एट सी, यानी कि सी आपका राइट एंगल है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी। अब यहां पे देखिए एम जो है इस एबी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, जो कि आपको दिख रहा है यहां पे क्लियरली, C is joined to M, C को M से join किया गया and produced to a point D, और इसको D तक बढ़ा दिया गया, यानी ये point D है आपका, such that DM is equal to CM, कि DM और CM दोनों क्या हो गए equal हो गए। अब DM और CM दोनों equal हो रहे हैं भाई, सोचिए अब point D is joined to point B, D को B से join कर दिया गया कुछ इस तरीके से, show that आपको show कराना है, ये देखिए चार points दिए गए हैं, पहला AMC BMD के बराबर है। तो आइए एक एक पॉइंट की शुरुआत करते हैं, आसानी से हम चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में आइए देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं कि एएमसी को बताना है, तो यहां पे लिखिए इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, यानी एएमसी और बीएमडी में। तो AMC जरा देखिए कौन है, AMC और ये क्या है BMD, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स, ये इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो इसमें देखिए सिमिलरिटी देखिए क्या है, आइए देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे ये दिख जाएगा, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो आप ऐसा बोल पाएंगे ना, आप क्या बोल पाएंगे DM इज इक्वल टू CM, ये देखिए बोला ही था इन्होंने, तो DM इज इक्वल टू CM बोल दिया, ठीक है ना, इसको बोल दो गिवन दिया गया है, कोई बात नहीं। दूसरा अगर DM इज इक्वल टू CM है तो AM इज इक्वल टू BM भी तो हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा AM इज इक्वल टू BM, क्यों, क्योंकि यहां पे M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट, ठीक है, M क्या है इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेनस पे, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट था इसका, ये चीज हो गई। तो दो पॉइंट तो आपको मिल गए। अब देखिए दूसरा, अगर इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इनको नाम क्या दोगे आप, इनको नाम दे दो DMB, यहाँ पे आप लिखिए एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, एंगल AMC, DMB AMC, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, ये वर्टिकली क्या है ओप्पो के फोन है दोनों, ठीक है ना, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर आपस में इक्वल हो गए तो देखिए थ्री पॉइंट्स फटाफट मिल गए आपको, आप बोल दो भाई साहब ट्राइंगल AMC और ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके BMD के इक्वल होगा। अब यहां पे अगर हमें रूल की बात करनी है तो दो साइड और एक एंगल दिख रहा है, तो दो साइड कौन से, ये दोनों साइड और इनका ये बीच का एंगल, ठीक है ना, तो क्या बोल पाएंगे आप SAS साइड एंगल साइड, तो यहां पे SAS रूल लगा दो आप, साइड एंगल साइड का रूल लग गया, फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया, ओके है, आगे बढ़िए सेकंड पार्ट के लिए, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, DBC ये एक राइट एंगल है, तो अगर ये राइट एंगल अगर है तो है कोई बात नहीं, चलिए मान लिया हमने भाई कि ये राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है तो एक चीज आप बताइए कि DBC, ध्यान से देखिएगा DBC प्लस अगर मैं ऐसा बोल दूं ACB, एंगल ACB ये इक्वल 180 के हैं, तो आप बोलेंगे यस बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे, क्यों, बिकॉज दे आर, इनको आप बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, ये क्या है भाई साहब को इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 होता है, और वैसे भी आपको पता है ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल की तरह ही दिख रहा है, बट बाय द वे को इंटीरियर एंगल भी 180 ही होता है, ये अगर आपने
इंट्रोडक्शन पार्ट अगर ट्राइंगल का नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उसको देख लीजिए, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पे इन्होंने आपसे डीबीसी की गुजारिश की है ना, तो डीबीसी प्लस एसीबी, एसीबी इज 90 इज इक्वल टू 180, तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, इट्स राइट एंगल। ये क्या है? एक ये राइट एंगल है। आई होप सेकेंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, फिर आप लोग देखिए इसको ध्यान से, ठीक है ना, नहीं तो ये ठीक से आ नहीं पाएगा। अभी इसके थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, इन्होंने क्या बोला हुआ है भाई साहब ने, ट्राइंगल डीबीसी। तो यहाँ पे आप लिख दो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, ट्राइंगल एसीबी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए डीबीसी और एसीबी में। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर इनमें देखो तो ये देखिए डीबी इज इक्वल टू एसी है, यहाँ पे लिख दो डीबी इज इक्वल टू एसी, ये डीबी इज इक्वल टू एसी हो गया। और ये अगर बीसी को अगर आप देखो तो ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना, तो ये आप लिख पाएंगे बीसी इज इक्वल टू बीसी, ये आपका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना, इसको भी आप इस तरीके से लिख दीजिए। दूसरा, इसमें अगर आप ट्राइंगल डीबीसी की बात करें, डीबीसी तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, तो आप लिख पाएंगे एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, ये क्या है? राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री। आप चाहो तो राइट एंगल लिख दो, चलेगा। तो देखिए थ्री पॉइंट्स मिल गए फटाफट आपको, जैसे मिल जाते हैं तुरंत बोल दो ट्राइंगल डीबीसी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी बी के। रूल क्या लगेगा? देखिए दो साइड और एक एंगल है, लेकिन ये दो साइड एंगल कौन से? देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है ना, ये साइड, ये वाला एंगल और ये साइड, ऐसे एस रूल, सास रूल लगा दो फटाक से। तो ये फिगर में देख के ही आपको लगाना, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है आपको, ठीक है ना। अभी लास्ट फोर्थ वन देखिए, इसमें फोर्थ वन है सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, आपको प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको ध्यान से। अगर देखिए, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि हाफ ए बी, हाफ ए बी, ये ए बी का हाफ इज इक्वल टू हाफ सी डी, हाफ सी डी, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना, कहां से लिखा आपने ये चीज? ये चीज मैंने लिखी फ्रॉम फिगर, फिगर से देख के, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, बिकॉज बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। क्यों? अच्छा, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल को अभी अभी हमने ऊपर क्या बोल दिया है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कराया ना, तो ये भी तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्टी हुए। चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी बताना है। तो भाई साहब एक चीज बताइए, जो हाफ सी डी है, सी डी का हाफ, ये पूरी सी डी है, इसका हाफ, सी एम और डी एम बोथ आर इक्वल, सी एम और डी एम इक्वल होंगे ना। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि सी एम और डी एम दोनों क्या है? इक्वल है। तो अगर मैं सी एम और डी एम अगर दोनों इक्वल है, तो मैं अगर ऐसा बोल दूं भाई साहब कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो क्या आप बुरा मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे? देखिए नहीं मानना चाहिए भाई आपको। देखिए सी एम है ना, ये सी एम, ये सी एम जो है ए बी के हाफ के इक्वल ही तो है, ठीक है ना, ए बी का हाफ। अब चाहे इसको ले लो या फिर इस पार्ट को ले लो, तो ए बी के हाफ के ही तो इक्वल हुआ। समझ में आ गई बात? तो दिस वॉज टोटली अबाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है। प्लीज अगर आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नोट्स वगैरह पूरी करने में व्यस्त रहिए।